अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशन मोड्स किसी बिल्डिंग के क्या होते हैं और ये किसी बिल्डिंग के डायनामिक रिस्पांस के बारे में, या यूं कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेड डायनामिक रिस्पांस के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो मैं इसमें पहले तो स्टार्ट में एक थोड़ी सी क्विक थ्योरेटिकल फार्मूलेशन डिस्कस करूँगा कि वाइब्रेशन मोड्स का और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का या जो जनरल मोडल प्रॉपर्टीज़ हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं, और फिर उसके बाद मैं ई टैप्स पे जाऊंगा और आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊंगा इस क्लासिकल मॉडल एनालिसिस की या वाइब्रेशन मोड्स के कॉन्सेप्ट की। सो, ये जो वाइब्रेशन मोड्स का कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग का, ये डायनामिक रिस्पांस में एक बड़ी वाइटल हैसियत रखता है, और ना सिर्फ ये कि फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स में बल्कि फोर्स्ड वाइब्रेशन रिस्पॉन्स में भी। ऑल्दो कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता अनडैम्प फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ऑफ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स के सोल्यूशन से है। सो, जब हम ये सोल्यूशन कर रहे होंगे फ्री वाइब्रेशन फॉर अनडैम्प मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स, तो हमें ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कोई मोड शेप्स होती हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं स्ट्रक्चर्स की, और फिर हमें बाद में ये भी देखेंगे कि ये यूज किस लिए हो सकती हैं। सो, एक क्विक थ्योरेटिकल फार्मूलेशन देखें पहले कि अनडैम्प फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स में हम कैसे इस मोड शेप्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास ये मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन में अगर हम डैम्पिंग मैट्रिक्स को ज़ीरो कर दें, इस टर्म को ख़त्म कर दें, यानी अनडैम्प्ड का केस देखें, और फिर क्यू ऑफ टी को भी नल वैक्टर कर दें, यानी कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो हमारे पास एक रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स की। इसमें एम मैट्रिक्स जो है वो एन बाय एन मैट्रिक्स है, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसी तरह जो के मैट्रिक्स है वो भी एन बाय एन मैट्रिक्स है, और जो यू और यू डॉट वैक्टर हैं ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वैक्टर्स हैं हमारे स्ट्रक्चर के, और ये एन बाय वन वैक्टर्स हैं। सो, हमने इस इक्वेशन की एक फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स की जनरल फॉर्म एज्यूम की है, और वो ये है। इस जनरल फॉर्म में हम कह रहे हैं कि जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स है वो एक फी वेक्टर, ये जो फी वेक्टर है जो कॉन्स्टेंट्स पर मुश्तमिल एक वेक्टर है जो वाइब्रेशन की शेप के बारे में बता रहा है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सो, हमने इस जनरल शेप को एज्यूम किया, और ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के साथ जो एनालॉजी है उसके मुताबिक हमने ये फॉर्म एज्यूम किए। सो, हमने इस फॉर्म को दोबारा से मेन इक्वेशन में पुट किया, इसका डबल डेरिवेटिव लिया और यहाँ पुट कर दिया, और इसी तरह ये के यू में यू की जगह पुट कर दिया। इससे हमारे पास जो ये हमारी गवर्निंग इक्वेशन है ये आइगन वैल्यू इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि u और u डॉट डॉट जो है ये पुट करने से यहाँ पर हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस आइगन वैल्यू इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। और ये आइगन वैल्यू इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लैम्डा इंटू बी इंटू एक्स। सो, एक्स जो है वो आइगन वेक्टर कहलाता है और लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू कहलाती है। ए और बी हमारे केस में के और एम मैट्रिसेस हैं जो कि नॉन होंगे किसी स्ट्रक्चर के बारे में। लैम्डा जो है वो उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का स्केयर, और एक्स जो है वो हमारे पास मोड शेप्स हैं, मोड शेप्स। सो, हमने इस फी वैक्टर को एक कॉन्स्टेंट्स पर मुश्तमिल एक वेक्टर एज्यूम किया हुआ है जो हमारे ख्याल में अभी किसी भी स्ट्रक्चर के लिए एक ही वेक्टर होगा, और ओमेगा भी किसी स्ट्रक्चर के लिए एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा। और ये जो फी वेक्टर है ये अगर इसको प्लॉट किया जाए, बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि यू ऑफ टी जो है वो इक्वल होगा फी इंटू साइन ओमेगा बार टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। सो, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जो है ये टाइम फंक्शन है, ये हमारे फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस की जो टाइम वेरिएशन है उसको कैप्चर करेगा, लेकिन जो उस मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की डिस्प्लेस्ड शेप होगी किसी एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर
वो उस शेप को बेसिकली ये फी वेक्टर डिस्क्राइब करेगा। सो अगर फी की वैल्यू है 3, 2, 1 फॉर अ थ्री स्टोरी बिल्डिंग, तो बेसिकली आप इसको प्लॉट कर सकते हैं 3, 2 और 1, एक डिफ्लेक्टेड शेप आपके पास आ जाएगी बिल्डिंग की। ये वाइब्रेशन की शेप बताएगा, फ्री वाइब्रेशन की शेप। सो ये जो शेप है डिफ्लेक्टेड शेप फी को प्लॉट करने से जो आ रही है, ये किसी अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट इस स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स नहीं है, ये इसकी एक इनहेरेंट डिफ्लेक्टेड शेप है जिस शेप में ये वाइब्रेट करना पसंद करेगा। लेकिन जब हमने इस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व किया था, सो हमने देखा था कि फी का और ओमेगा का एक आंसर नहीं है। हमारे पास ये फॉर्म बन रही थी आइगन वैल्यू इक्वेशन की, और फिर हमें पता है कि क्रैमर्स थ्योरम के मुताबिक अगर ये फॉर्म हो जाए हमारी मैट्रिक्स इक्वेशंस की, तो लाजमन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, जो हमारे केस में ये पूरी स्केयर ब्रैकेट है, ये इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि एक्स का कोई नॉन ज़ीरो आंसर एग्जिस्ट करता है। सो अगर हम इस के माइनस ओमेगा स्केयर एम के डिटर्मिनेंट को ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि के और एम जो है ये गिवन है किसी भी एक स्ट्रक्चर के लिए। इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो पुट करने से जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी उसको फ्रीक्वेंसी इक्वेशन कहते हैं, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो रूट्स असल में ओमेगा स्केयर होंगे, लेकिन वो एक से ज़्यादा होंगे, वो उतने होंगे जितने ऑर्डर की के बाय के मैट्रिक्स थी या एम मैट्रिक्स थी, और वो थी डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो विच मीन्स कि आपके पास उतने ओमेगा स्केयर आएंगे जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और फिर आप उनका अंडर रूट लेंगे और सिर्फ पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो लिहाजा आपके पास उतने ओमेगा आ जाएंगे जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो हमें ये पता चला कि एक मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की एन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और एन जो है वो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब दोबारा से आइगन वैल्यू इक्वेशन में अगर आ जाए हम, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में, तो अगर ओमेगा को ओमेगा 1 पुट करते हैं, जो पहला रूट आया था हमारे पास उस इक्वेशन का, तो हमारे पास एक फी 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, बिकॉज ये पूरी स्केयर ब्रैकेट अब नॉन हो जाएगी और वाहिद अननोन ये फी वेक्टर होगा। सो फी को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओमेगा को ओमेगा 1 पुट करेंगे तो एक फी 1 आ जाएगा, ओमेगा 2 पुट करेंगे तो एक फी 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये फी वेक्टर भी एक नहीं होता, ये फी वेक्टर जो वाइब्रेशन की शेप के बारे में हमें बताता है, कॉन्स्टेंट्स पर मुश्तमिल एक वेक्टर है जो अननोन है अभी, हमें ये पता चला कि ये भी एक से ज़्यादा होंगे, और ये उतने होंगे जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं, बिकॉज उतने ओमेगा होंगे, और ओमेगा बार बार पुट करेंगे और एक नया फी आ जाया करेगा, फी 1, फी 2, फी 3 और इसी तरह अप टू फी एन। इसी तरह यहाँ पर ओमेगा से लेके ओमेगा एन तक सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पुट की जा सकती हैं और फी कैलकुलेट किया जा सकता है। सो एक थ्री स्टोरी बिल्डिंग की एग्जांपल अभी देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कैसे हम ओमेगा और फी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को, ओमेगा और फी को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, यानी आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, इसको मॉडल एनालिसिस कहते हैं या आइगन वैल्यू एनालिसिस कहेंगे। सो लेट से हमारे पास ये एक थ्री स्टोरी बिल्डिंग है, और इसमें हमारे पास ये लम्प मैसेज हैं थ्री स्टोरीज के ऊपर। लम्प स्टिफनेसेस भी गिवन है 600, 1200 और 1800, एंड लेट से कि ये कंसिस्टेंट यूनिट्स में हैं, सो हम डायरेक्टली यूनिट्स की परवाह किए बगैर इनसे एम और के मैट्रिसेस बना लेंगे। सो हमारे पास ये मेन इक्वेशन है जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ऑफ एन अनडैम्प्ड मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को शो करती है या गवर्न करती है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यू वेक्टर आ जाएगा जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स बताएगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशंस होना चाहिए, जो कि बेसिकली यू और यू डॉट ऑफ ज़ीरो जो हैं वो होंगी। सो अगर कोई नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस होंगी तो विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स भी स्ट्रक्चर ऑसिलेट करेगा, और वो ऑसिलेशन इस इक्वेशन से गवर्न होगी जिसमें राइट हैंड साइड पे नल वेक्टर है।
सो मैस एंड स्टिफनेस मैट्रिसेस बना लेते हैं। मैस मैट्रिक्स में आपको पता है सिंपल कि हम डायगोनल में सारे स्टोरी मैसेज रख देते हैं और ऑफ डायगोनल टर्म्स सारी जीरो हो जाती हैं। सो ये हमने ऑफ डायगोनल टर्म्स को जीरो कर दिया और डायगोनल में स्टोरी मैसेज रखती हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये जहन में रखें कि जो नंबरिंग आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जिस ऑर्डर में चल रही है वही ऑर्डर में आप यहाँ पे एम और के मैट्रिसेस का पैटर्न बनाएंगे। सो रूफ को आप U1 कह रहे हैं अब और ऊपर से नीचे को जा रहे हैं U2 एंड U3। सो ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। सो उसी ऑर्डर में आप ये U1 के कॉरिस्पॉन्डिंग मैस पुट करेंगे U2 और U3। नॉर्मली जो है वो नंबरिंग आपने देखी है नीचे से ऊपर को 1, 2, 3 और अप टू एन स्टोरी बिल्डिंग। सो ऊपर से नीचे नंबरिंग हो या नीचे से ऊपर हो आपकी एम और के मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर को फॉलो होना चाहिए। सो उसी तरह के मैट्रिक्स को भी अगर आप देखें सो अब आपके पास यहाँ K1+K2 होता है टॉप पे, लेकिन असल में ये तब होता है जब आपके पास नंबरिंग नीचे से ऊपर को स्टार्ट हो रही है। सो फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी से कनेक्टेड है सो लिहाजा यहाँ पर K1+K2 होता है, लेकिन अभी ऑपोजिट हो जाएगा बिकॉज आप ऊपर से नीचे को आ रहे हैं। सो डायरेक्टली यहाँ पर जो फर्स्ट स्टोरी है जो ऊपर किसी से कनेक्टेड नहीं है वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। सो ये बेसिकली K1 होगा सिर्फ अगर आप इसकी स्टिफनेस को 600 को K1 कह दें। इसी तरह जो ये है ये बेसिकली K1+K2 हो जाएगा ऊपर से नीचे को आए। सो ऊपर वाली स्टोरी नीचे से कनेक्टेड है सो लिहाजा ये K2 है। सो K1+K2 ये नंबर हो जाएगा K1+K2 और ये -K1 ये -K1 ये दो नंबर हो जाएंगे। और 600 चूंकि हमने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे देखें कॉमन लिया हुआ है सो लिहाजा ये 600 है ये -600 -600 और ये बेसिकली 600+1200 है यानी 1800। उसी ऑर्डर में ये -K2 हो जाएगा -K2 ये भी -K2 और जो K2 है वो फिर K3 से कनेक्टेड है यानी सेकंड स्टोरी ये इस स्टोरी से कनेक्टेड है जो बेसिकली है तो फर्स्ट स्टोरी लेकिन हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबरिंग के मुताबिक ये U3 है। सो लिहाजा यहाँ पर अगर ये K3 मैं कह दूँ 1800 को सो ये जो नंबर है ये बेसिकली K2+K3 है। सो लिहाजा देखें कि हमारी K मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर में है उसी के मुताबिक हमारा पैटर्न हो जाएगा जिस ऑर्डर में हमारी U1 U2 U3 की नंबरिंग होगी। सो आई होप कि ये बात क्लियर है। सो हम यू ऑफ टी वेक्टर जो है वो U1 U2 U3 बना लेंगे। सो अब हमने के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो पुट करना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दीज नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जो अब हमें पता है कि एक से ज़्यादा होंगी मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के केस में। सो लिहाजा ये 600 × 1 - b और b जो है वो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ओमेगा स्केयर ओवर 600 रख दी है। सो यूँ हमारे पास के माइनस ओमेगा स्केयर एम मैट्रिक्स आ जाएगी। मिसाल के तौर पे पहली एंट्री होगी 1 × 600 जो के की एंट्री है माइनस ओमेगा स्केयर इंटू पहली एंट्री जो मैस की है ओमेगा स्केयर एम। सो बेसिकली 600 -1 × ओमेगा स्केयर। सो अगर हमारे पास पहली एंट्री आ रही है 600 -1 × ओमेगा स्केयर सो अगर हम इसमें से 600 कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1 - ओमेगा स्केयर ओवर 600। सो इसको मैंने कैपिटल बी का नाम दे दिया है सिंप्लिसिटी के लिए। सो हमारे पास 600 × 1 - b पहली एंट्री आ गई है। इसी तरह सारी 9 एंट्रीज के लिए हम ये के माइनस ओमेगा स्केयर एम की मैट्रिक्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो पुट करेंगे। 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को आप ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक 3 डिग्री पॉलीनोमियल आ जाएगा और ये बी के अंदर होगा यानी बेसिकली ओमेगा स्केयर एम की शक्ल में होगा। बी जो है वो ओमेगा स्केयर ओवर 600 है। सो अगर आप बी को कैलकुलेट कर लें इसको सॉल्व कर लें 3 डिग्री पॉलीनोमियल को तो आपके पास बी के 3 आंसर आ जाएंगे। सो लेट्स कॉल दैम B1, B2, B3 और फिर ओमेगा स्केयर ओवर 600 है हमारे पास बी। सो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्केयर के भी 3 आंसर आ जाएंगे। इसका अंडर रूट ले लें और सिर्फ
पॉजिटिव आंसर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, सो लिहाजा 3 ओमेगा भी आ जाएंगे, 14.5, 31.1 और 46.1। और आम तौर पे जो सॉल्यूशंस को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि सबसे छोटा सॉल्यूशन जो है वो पहला सॉल्यूशन होता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो हमारे पास ये ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 आ गए हैं, ये 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं स्ट्रक्चर की। सो ये जो 1, 2 एंड 3 हैं, इन नंबर्स को आपने नंबर ऑफ स्टोरीज के साथ मिक्स नहीं करना, ये आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के नंबर हैं आपके मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के। सो ये ओमेगा 1 का ये मतलब नहीं है कि ये फर्स्ट स्टोरी की जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड स्टोरी की, ये थर्ड स्टोरी की। ये तीनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये तीनों तीनों स्टोरीज की हैं। ओमेगा 1 भी तीनों स्टोरीज का है, पूरे स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 2 भी और ओमेगा 3 भी। सो इसी तरह अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज तीनों हमने कैलकुलेट कर ली हैं और इनको आप उस ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि सबसे छोटा जो रूट होगा आपका पॉलीनोमियल इक्वेशन का उसको B1 या ओमेगा 1 कहेंगे, उससे बड़ा उसको ओमेगा 2 कहेंगे और फिर उससे बड़ा ओमेगा 3 कहेंगे। सो अगला स्टेप ये है कि अब हमारे पास ये हमारी गवर्निंग आइगन इक्वेशन है के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इनटू फी इज इक्वल टू नल वेक्टर। सो हम इसमें पहली दफा ओमेगा को ओमेगा 1 पुट कर दें, उससे एक फी 1 निकाल लें, सो ओमेगा 1 से एक फी 1 आ जाएगा, ओमेगा 2 से एक फी 2 आ जाएगा, ओमेगा 3 से एक फी 3 आ जाएगा। सो अगर फी 1 जो है वो आइगन इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो कोई कांस्टेंट इनटू फी 1 भी इसी का एक सॉल्यूशन होगा। सो हमारे पास ये दो रूल्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं कि अगर आपके पास किसी इक्वेशन के फी 1 और फी 2 नाम के दो सॉल्यूशन हों और आपको दोनों के बारे में पता हो कि ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं आपकी गवर्निंग इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन है के इंटू फी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इंटू फी। सो अगर आपको पता हो कि फी 1 और फी 2 दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इन दोनों का सम भी इसको सेटिस्फाई करेगा, पहला रूल तो आपने ये जहन में रखना है। और दूसरा ये कि अगर आपको पता हो कि कोई फी 1 इसका एक सॉल्यूशन है मेन इक्वेशन का तो कोई कांस्टेंट इनटू ए कांस्टेंट इनटू फी 1 ये प्रोडक्ट भी इसी का सॉल्यूशन होगा। सो सम कांस्टेंट इनटू फी 1 विल आल्सो सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। सो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है कि सम ऑफ टू सॉल्यूशंस इज आल्सो अ सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर इज आल्सो अ सॉल्यूशन। सो अगर आपको याद हो तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के केस में भी ये दोनों बातें हमने यूज़ की थी और उससे हम एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस पे तो दोबारा बाद में आएंगे और वहाँ पर ये दोनों हम रूल्स यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कर लेते हैं कि फी 1, फी 2, फी 3 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमें फी 1 को रिप्रेजेंट करना है, सो लेट से वो जो तीन अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं फी 1 के अंदर वो ये फी 1, 1, फी 1, 2 और फी 1, 3 हैं। अब यहाँ पर जो पहला नंबर है ये बेसिकली तो शेप का नंबर है, फी 1 के हैं ये तीनों तो फी 1 आ गया, सो लिहाजा ये आप कह सकते हैं कि शेप का नंबर है। बेसिकली इस फी वेक्टर को मोड शेप कहते हैं, मोड शेप, और इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन भी करूँगा अभी नेक्स्ट किसी स्लाइड में। सो पहला नंबर तो ये फी का नंबर है बेसिकली, या मोड शेप का नंबर है, सो ये फी 1 है, सो 1, 1, 1 आ गया। जो दूसरा नंबर है ये बेसिकली स्टोरी नंबर है या डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर है, सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर है या स्टोरी नंबर है जो आप पूछ रहे थे। सो अब ये तीन हमारे पास अननोन है फी 1 वेक्टर के अंदर। सो अगर हम इक्वेशन में के इंटू फी में के इंटू फी इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू एम इंटू फी कर दें, सो जब यहाँ पर ओमेगा 1 कर दिया है तो यहाँ फी 1 आ गया और यहाँ भी फी 1 आ गया, सो फी 1 अब ये होगा हमारा जो हमने अभी लिख लिया है,
तीन अननोन्स हैं इसके अंदर। अब ओमेगा वन भी नोन हो गया, एम भी नोन हो गया और के भी नोन हो गया, सिर्फ तीन अननोन्स जो फी के अंदर हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि अगर फी जो है वो हमारी आइगन इक्वेशन का सोल्यूशन है, फी वन लेट से, तो कोई कॉन्स्टेंट इंटू फी वन भी सोल्यूशन होगा। सो इसका मतलब ये है कि फी की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, ये जो नंबर्स हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज इन्होंने बाद में किसी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट से जो अभी अननोन है उससे मल्टीप्लाई हो के फिर मेन इक्वेशन में पुट होना है, और वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशंस। सो लिहाजा फी वन की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होंगी, ये जो तीन नंबर होंगे, इन तीन नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मैटर नहीं करती, इनकी रिलेटिव वैल्यूज़ मैटर करती हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यूज़ फी वन वन, वन टू और वन थ्री की आ जाती हैं, 9, 6 और 3, तो ये ऐसे ही है जैसे आप इसको लिख लें 3, 2 और 1, इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 से सारे नंबर्स को, बिकॉज 3 वो नंबर होगा जो बाद में इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या कोई भी वो नंबर हो सकता है। सो विच मीन्स के ये 9 और 6 और 3 की इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि 9/6 क्या आंसर है, 6/3 क्या आंसर है, यानी ये पैटर्न जो है, जो रेशोज हैं इनकी आपस में, रिलेटिव वैल्यूज हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी आप किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इसको लेटर, तो आप कोई भी वही पैटर्न अचीव कर लेंगे, या कोई भी वैल्यूज़ का सेट जो है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा वो अचीव कर लेंगे। सो लिहाजा सिंप्लिसिटी के लिए हम ये करते हैं कि हम जो टॉप नंबर है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉरेस्पॉन्डिंग टू रूफ होती है, ये यू वन के लिए नंबर है, ये यू टू के लिए नंबर है, और ये नीचे वाला यू थ्री के लिए। यू वन जो है वो हमारी रूफ है इस केस में। तो हम यूँ करते हैं कि क्यों ना इन तीनों नंबर्स को यू वन का जो नंबर है फी वन वन, इससे डिवाइड कर दें। सो हमारे पास एक नया फी वन वैक्टर आ जाएगा, जिसमें टॉप पे वन हो जाएगा बिकॉज हमने उसी से इसको डिवाइड कर दिया। सेकेंड नंबर हो जाएगा फी वन टू ओवर फी वन वन। थर्ड नंबर हो जाएगा फी वन थ्री ओवर फी वन वन। सो हम इस नंबर को बाद में, चूंकि इसने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होना है, सो क्यों ना इस रेशो को फी वन टू कह दें, और फी वन थ्री में इस रेशो को फी वन थ्री कह दें, जो थर्ड नंबर है ये। सो अगर आप फी वन को ये तीन नंबर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, तो फिर तो हो सकता है आपके पास आंसर आए 9, 6 और 3 मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर आप ये वाला फी पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ऑटोमेटिकली रूफ को वन करके पुट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 6/9, 3/9। ऑटोमेटिकली आंसर्स वो आ जाएंगे जो वही चीज़ बना देंगे अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो अगर इस कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही 9, 6 और 3 आ जाएगा जो स्टार्ट में आता, अगर आप ये वन वाला काम ना करते। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ मोड शेप, और ये सॉल्यूशन की सिंप्लिसिटी के लिए कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए कि फी की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं वो मैटर नहीं करती, बल्कि उनकी रेशोज़ मैटर करती हैं, या वो पैटर्न मैटर करता है। सो अगर इसको आप डिफ्लेक्टेड शेप की तरह एज्यूम कर रहे थे पहले, सो आप इसको आप डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ एज्यूम ना करें, बल्कि एक पैटर्न की तरह एज्यूम करें कि ये एक डिफ्लेक्शन का पैटर्न है, जिसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, यानी ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, लेकिन वो पैटर्न वही रहेगा। सो फी वन ये भी है, फी वन ये भी है, लेकिन कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद। सो लिहाजा फी वन को आप एक डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर की तरह एज्यूम ना करें, बल्कि इसको ऐसे सोचें कि जैसे ये एक शेप है जिसका पैटर्न मैटर करता है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ तो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकती हैं बाद में। सो लिहाजा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इनकी रिलेटिव वैल्यूज़ हैं, जो पैटर्न है बेसिकली, के फी वन और फी वन वन और फी वन टू में क्या रिलेशनशिप है, और फी वन टू और फी वन थ्री में क्या रिलेशनशिप है, ये मैटर करता है। सो लिहाजा इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ मोड शेप, कि हम ज़बरदस्ती जो रूफ का नंबर है, टॉप नंबर है, उसको हम वन कर देते हैं, और बाकी दो नंबर उसके रिलेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। सो ऑटोमेटिकली वो नंबर इस तरीके से आ जाते हैं हमारे पास, कि कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो पैटर्न वही रहेगा,
और हम इससे कोई भी शेप बना सकेंगे, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। सो लिहाजा हम ये वाली जो नीचे वाला फी वन है जिसमें रूफ को वन कर दिया है, ये पुट करेंगे और फी वन टू और फी वन थ्री कैलकुलेट कर लेंगे। ये दो नंबर्स आ जाएं तो हमारे पास फी वन आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा टू पुट करेंगे तो फी टू आ जाएगा, उसका भी टॉप नंबर वन कर देंगे। इसी तरह ओमेगा थ्री पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो फी थ्री आ जाएगा। सो इस बिल्डिंग के थ्री मोड्स होंगे या थ्री वाइब्रेशन मोड शेप्स होंगी कॉरिस्पॉन्डिंग टू थ्री नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। सो ये अब हम कर रहे हैं कि के माइनस ओमेगा वन स्केयर एम है, सो इसमें हम इसको फी वन रख रहे हैं और ओमेगा को ओमेगा वन रख रहे हैं। सो ओमेगा को ओमेगा वन रखने से ये पूरी स्केयर ब्रैकेट अब नॉन हो गई है, इसमें ओमेगा का भी अब आंसर आ गया है। सो लिहाजा वो वन माइनस, अगर आपको याद हो बी था और बायर 600 था, सो वो अब सब नॉन हो गया है। सो ये पूरी स्केयर ब्रैकेट विल बी नॉन नाउ, और यहाँ पर फी वन को हमने वन, फी वन टू और फी वन थ्री रख दिया। इस मल्टीप्लीकेशन को आप मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके पास फी वन टू और फी वन थ्री आ जाएंगे। एक का आंसर दूसरे में पुट कर दें सो आपके पास फी वन टू और फी वन थ्री आ जाएंगे। इससे आपके पास फी वन वैक्टर पूरा आ गया। यही आप रिपीट करेंगे प्रोसेस, और आप ओमेगा टू पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर ओमेगा थ्री पुट कर देंगे, उससे आपके पास फी टू और फी थ्री भी आ जाएंगे। सो फी टू आपके पास ये आएगा, अब इसमें देखें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, और फी थ्री आपके पास ये आएगा। तीनों का रूफ नंबर जो है वो वन कर दिया हमने फोर्सफुली, बाकी दो नंबर उसके रिलेटिव आ गए हैं आपके पास। सो अगर इन तीनों मोड शेप्स को या फी वेक्टर्स को प्लॉट करें तो ये आपके पास डिफ्लेक्टेड शेप बनती है। सो पहला वेक्टर था 1.65.3, सो 1.65 जो सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम थी और 0.3, आप इनको मिला दें तो आपके पास एक डिफ्लेक्टेड शेप आ जाएगी, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो ओमेगा था वो ओमेगा वन था, 14.5 था। फी टू को प्लॉट करें तो वो आपके पास ये शेप आएगी, रूफ पे वन, फिर उसके बाद सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पे -0.6 तो दूसरी साइड पे चले जाएंगे, फिर -0.6 दोबारा से, और फिर ज़ीरो। नीचे ज़ीरो इसलिए कि ये फिक्स सपोर्ट हमें पता है, सो डिस्प्लेसमेंट या कोई भी जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स सपोर्ट पे ज़ीरो होगा। इसी तरह थर्ड मोड शेप में रूफ को हमने वन कर दिया, सो हमारे पास जो निचले दो नंबर आए हैं वो वन से भी बड़े आए हैं। सो एक नंबर -2.57 था तो वो ये आ गया दूसरी तरफ, फिर +2.47 आया था तो वो इधर आ गया। सो इनको भी मिला दें तो एक तीसरी शेप आ जाएगी आपके पास, इसको मोड शेप थ्री कहेंगे, ये मोड शेप टू है, और इनके कॉरिस्पॉन्डिंग ओमेगा भी आपके पास आ जाएंगे। सो अब ये थ्री स्टोरी बिल्डिंग थी, इसके फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स को सॉल्व करते हुए हमने रास्ते में आइगन वैल्यू इक्वेशन हासिल की। उस आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास ये दो नई प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज हैं। सो ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग टू फी वन, फी टू, फी थ्री जो कि स्ट्रक्चर की मोड शेप्स हैं। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज का कोई ताल्लुक नहीं है अप्लाइड लोडिंग के साथ, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको मॉडल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इनका ताल्लुक स्ट्रक्चर की मैस मैट्रिक्स और के मैट्रिक्स के साथ है। सो अभी आपने सॉल्यूशन में देखा है कि सिर्फ एम और के चाहिए इनको कैलकुलेट करने के लिए। सो लिहाजा ये जिस तरह स्ट्रक्चर का मैस उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है और स्टिफनेस उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह स्ट्रक्चर के नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और मोड शेप्स भी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती हैं। इन टाइम पीरियड्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इन ओमेगा को। सो ओमेगा वन को टी वन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा टू को टी टू में कर सकते हैं। सो आपके पास है टी इज इक्वल टू टू पाई ओवर ओमेगा, सो इससे आप टी थ्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये वो तीन टाइम पीरियड्स हैं बेसिकली जिनमें स्ट्रक्चर फ्रीली वाइब्रेट होना पसंद करेगा। स्ट्रक्चर वुड लव टू वाइब्रेट इन दीज थ्री नेचुरल टाइम पीरियड्स और इन दीज थ्री नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। एंड एडिशनली अब हमारे पास मोड शेप्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में।
सो बेसिकली दीज थ्री शेप्स आर द शेप्स इन विच द स्ट्रक्चर वुड लव टू डिस्प्लेस इन और डिफॉर्म इन. स्ट्रक्चर इन शेप्स में वाइब्रेट करना पसंद करेगा. सो हमने वो इनहेरेंट स्ट्रक्चर की खासियत या उसकी हैबिट या खसलत कह लें वो कैलकुलेट कर ली है कि ये वो हैबिट्स हैं या वो डिफ्लेक्टेड शेप्स हैं जिनमें स्ट्रक्चर खुद से वाइब्रेट करना पसंद करेगा. अगर इसको अनडैम्प्ड रखा जाए और इसको फ्री वाइब्रेशन दी जाए तो ये इन शेप्स में प्रायोरिटी में वाइब्रेट करना पसंद करेगा. सो लिहाजा अगर ये शेप्स अच्छी हैं, हमारे लिए डिज़ायरेबल हैं, हम इनको रियल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, एनिमेट करवा सकते हैं, अभी मैं सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा. सो अगर ये शेप्स में कोई खामी नहीं है, ठीक है, ये एक तरह का आपको अप्लाइड लोडिंग आने से पहले ही स्ट्रक्चर की हैबिट के बारे में, उसकी खासियत के बारे में पहले से ही बता रही हैं ये शेप्स. सो अगर ये शेप्स पहले से ही इनमें कोई खामी है, ये शेप्स रेगुलर किस्म की नहीं है, या स्ट्रक्चर की जो ओमेगा और टाइम पीरियड्स हैं वो एक टिपिकल रेंज जो कि एक अच्छे स्ट्रक्चर की होती हैं उसमें रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब है आप आगे ना जाएं, अभी आप लोडिंग अप्लाई ना करें, आपके कंप्यूटर मॉडल में अभी कोई गलती है या आपका डिज़ाइन बहुत ही जो है वो इम्प्रूवमेंट मांग रहा है अभी. सो लिहाजा ये आपको यूँ समझ लें कि स्ट्रक्चर की हैबिट के बारे में या उसके एक्सपेक्टेड डायनामिक बिहेवियर के बारे में बड़ी की इन्फॉर्मेशन दे देती हैं पहले से ही. सिर्फ एम और के मैट्रिसेस से आपके पास ओमेगा और फी आ जाते हैं और ये ओमेगा और फी आपको पहले से ही बड़ी की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं विदाउट डूइंग एनी अदर एनालिसिस. क्योंकि इनसे आपको ये ओमेगा और फी अक्सर कहा जाता है कि जैसे ये स्ट्रक्चर की हार्ट बीट है, जैसे आप किसी भी मरीज़ की हार्ट बीट देख के बता सकते हैं कि वो ओके है या नहीं है या उसकी हेल्थ कैसी है. सो ये ओमेगा और फी भी ऐसे ही हैं, क्योंकि देखें ओमेगा को आप कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम पीरियड में और एक अच्छे स्ट्रक्चर के जो टाइम पीरियड्स हैं उनकी एक टिपिकल रेंज होती है और वो रेंज आपके स्ट्रक्चर की अगर उस रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब है आपका स्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म करेगा जब लोडिंग आएगी असल में. तो ये ऐसे ही है जैसे हार्ट बीट की या ब्लड प्रेशर की एक ख़ास रेंज होती है और वो रेंज जो हेल्दी पर्सन की होती है वो आपकी भी होनी चाहिए अगर आपका आप जो हैं वो हेल्दी हैं. इसी तरह मोड शेप्स जो हैं, ये शेप्स जो हैं ये आपको बता देंगी कि स्ट्रक्चर किन शेप्स में वाइब्रेट करना पसंद करता है. अगर वो शेप्स डिज़ायरेबल नहीं है, मसलन स्ट्रक्चर ट्विस्ट होना चाह रहा है, पहला मोड शेप ही इस तरह आता है कि स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो जाता है, सो उस सूरत में आप कहेंगे कि ये एक डिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं है स्ट्रक्चर का. सो समरी ये हुई कि ये ओमेगा और फी और इसके साथ बाकी भी मॉडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इन दो को करेंगे, ओमेगा या टाइम पीरियड और फी वेक्टर्स मोड शेप्स. सो इनको देखेंगे हम अभी ई टैब्स के अंदर और फिर इनसे क्या कुछ इंपॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ सकती है. सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं. पहली ये कि स्ट्रक्चर की हेल्थ आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस, आप बता सकते हैं कि ये अच्छा स्ट्रक्चर है या बुरा स्ट्रक्चर है जब साइज़मिक परफॉर्मेंस की बात आएगी. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके कंप्यूटर मॉडल में कोई गलती है सो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगी इन दो प्रॉपर्टीज़. ये अगर रेंज में नहीं आती, डिज़ायरेबल नहीं आती, तो फिर दो बातें ही हो सकती हैं, या आपका डिज़ाइन ही बहुत पुअर है या आपके कंप्यूटर मॉडल में कोई गलती है. सो सर रेंज बता दें. जी जी, वो रेंज भी मैं जब सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा. सो समरी ये हुई कि हमारे पास किसी भी एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए एन ओमेगा होते हैं, एन फी होते हैं, और हमारे पास जो यू था जिसके लिए बेसिकली ये कैलकुलेट हम कर रहे थे, फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स यू वैक्टर, वो इक्वल होता है हमारे पास सम फी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. अब हमें ये पता चला कि ओमेगा भी एक नहीं है, फी भी एक नहीं है, सो लिहाजा इसका मतलब है जितने ओमेगा हैं वो बारी बारी सारे इसमें पुट होंगे और जनरल सॉल्यूशन ये बनेगा कि सारे ओमेगास का सम असल में होगा, बिकॉज सम ऑफ टू सॉल्यूशंस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, फिर अ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. तो जो बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो अगर मैं लिखूं तो वो कुछ इस तरह होगा, यू ऑफ टी वेक्टर विल बी इक्वल टू समेशन
आई इज इक्वल टू 1 to n वेयर n इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ए आई इंटू फी आई इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा आई टी प्लस थीटा आई. सो आई जो है वो बार बार चेंज होगा और ये सम हो जाएंगे सारे वैल्यूज, बिकॉज ये सारी एक एक वैल्यू सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही है, मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. सो ए आई जो है वो कांस्टेंट है जो आईथ मोड की कंट्रीब्यूशन के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई होगा, फी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उस फी आई का कोई ओमेगा आई होगा और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई थीटा आई भी होगा जो अभी भी नोन नहीं है. सो इवन आपने ओमेगा और फी भी कैलकुलेट कर लिए तो अब आप फाइनल यू ऑफ टी नहीं लिख सकते, बिकॉज इसमें अभी भी एक थीटा आई है जो अननोन है, और ये वो चीज़ है जो इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेगी. सो लिहाजा अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन रास्ते में ही हमें दो इम्पॉर्टेंट नए कॉन्सेप्ट मिल गए, ओमेगा और फी. और आप लेटर किसी लेक्चर में देखेंगे कि इनकी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दोनों कॉन्सेप्ट की, इवन फोर्स्ड वाइब्रेशन रिस्पॉन्स में. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आप स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको आप उस केस में अंडर रूट के ओवर एम लिखते थे, वो आपने इंट्रोड्यूस हुए थे फ्री वाइब्रेशन के रिस्पॉन्स के अंदर, और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक टाइम पीरियड होता है उससे आप इंट्रोड्यूस हुए थे. लेकिन ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ओमेगा और टी के सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, ये बिल्कुल आगे तक आखिर तक चले थे पूरी स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में. हमने देखा था कि ये ही इंपॉर्टेंट तीन पैरामीटर है जो स्ट्रक्चर के डायनामिक रिस्पॉन्स को गवर्न करता है. फोर्स वाइब्रेशन के केस में भी ओमेगा और टाइम पीरियड का रोल था, सबसे वाइटल रोल था. बिल्कुल उसी तरह जो मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के केस में एक से ज़्यादा ओमेगा हैं और एक से ज़्यादा फी हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके फोर्स वाइब्रेशन रिस्पॉन्स में भी, लेकिन वो हम किसी लेटर स्टेज पर डिस्कस करेंगे. अभी तो हम सिर्फ फ्री वाइब्रेशन का केस पढ़ रहे हैं और उसमें ये पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आए हैं, और वो भी हम पूरा नहीं अभी कर सक रहे, बिकॉज ये थीटा आई जो है हर मोड का जो फेज का डिफरेंस है थीटा, ये भी अभी नहीं नॉन नहीं है. सो अब चूंकि हर मोड शेप आप देखें कॉन्स्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो रही है और बाद में साइन फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो रही है. साइन फंक्शन को अगर आप ओरिजिनली इंडिविजुअली देखें तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, ये इस तरह है. सो लिहाजा इसका मतलब ये है कि जब फी को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, फी को इस साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आप इन मोड शेप्स को ऐसे अज्यूम करें कि जैसे ये वाइब्रेट कर रही हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैनर में ऑसिलेट कर रही हैं या एनिमेट कर रही हैं, आप यूँ समझें. सो अगर आप फर्स्ट मोड शेप की बात करते हैं, अभी आपने फर्स्ट मोड शेप कैलकुलेट की है फी वन, वो कुछ इस तरह की डिफ्लेक्टेड शेप आई है. जब ये साइन से मल्टीप्लाई होगी ये शेप, अब साइन तो माइनस वन से वन तक उसकी रेंज है, माइनस वन टू वन. सो इसका मतलब है जब ये साइन से मल्टीप्लाई होगी तो फिर आप ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसको आप यूं सोचें कि जैसे ये शेप असल में ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इट्स ओरिजिनल वैल्यू और माइनस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. सो थिंक ऑफ दिस होल प्रोडक्ट एज एन एनिमेशन. जो एनिमेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि यूं एक दफ़ा जा रहा है पूरा स्ट्रक्चर फिर दूसरी तरफ जा रहा है पूरा स्ट्रक्चर. सेकेंड मोड शेप को इसी तरह एज्यूम करें जब ये आई टू हो जाएगा, तो आप उसको यूं एज्यूम करें, अभी आपने प्लॉट की है सेकेंड मोड शेप, वो कुछ इस तरह की आई है ऐसे, कि जब टॉप स्टोरीज इधर को जा रही हैं तो बीच में सेकेंड जो स्टोरी है या थर्ड स्टोरी वो इधर को जा रही हैं लेफ्ट साइड पे. सो इसी तरह एज्यूम करेंगे जब ये साइन से मल्टीप्लाई होगा ये शेप जो है, तो आप एज्यूम करेंगे जैसे ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू और माइनस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू के दरमियान ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये आप इसकी मीन पोजीशन मान लें. सो ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से हर मोड शेप असल में टाइम डोमेन के अंदर ऑसिलेट करेगी, और इन सारी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को आप जमा कर दें आफ्टर मल्टीप्लाइंग देयर कॉरिस्पॉन्डिंग ए वन ए टू ए थ्री वगैरह, आप इनको सम कर दें समेशन कर दें तो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स आ जाएगा. सो विच मीन्स के द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच मोड एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अच्छा, हर जो ऑसिलेशन होगी वो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ओमेगा के ऊपर ऑसिलेट कर रही होगी. तो अगर ये फर्स्ट मोड शेप थी फी वन, तो ये ओमेगा वन फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रही होगी, जो कम फ्रीक्वेंसी थी यानी स्लो स्लो वाइब्रेट कर रही होगी.
ये जो सेकंड मोड शेप है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो ओमेगा है वो ओमेगा टू है और ये हायर है, सो लिहाजा ये सेकंड मोड शेप ज़रा थोड़ा फास्ट ऑसिलेट कर रही होगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू और माइनस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू के दरमियान, ये साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई होने की वजह से। सो लिहाजा हम फाइनली ए कॉन्स्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा सोल्यूशन कम्प्लीट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ समेशन भी डालना चाहिए मुझे। सो ए जो है वो एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है जो अभी अननोन है, थीटा भी अननोन है, ये दोनों चीज़ें अभी अननोन है, लेकिन ए जो है वो ये करेगा कि बेसिकली हर मोड को स्केल करेगा, एक तरह का एक कॉन्स्टेंट होगा जो हर मोड के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो डिफरेंट होगा हर मोड का, और मल्टीप्लाई होने के बाद सम हो जाएंगे सारे मोड्स तो हमारे पास यू आ जाएगा। तो थिंक ऑफ दिस रैंडम लुकिंग यू, लेट से आपका मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है ये, आपने इसे कोई इनिशियल कंडीशंस दी, टॉप को लेट से इधर ले गए, दरमियान वाली स्टोरी को उधर ले गए, थर्ड स्टोरी को फिर लेट से उधर ले गए, और आपने रिलीज कर दिया। सो अब ये ऑसिलेट करेगा, ये आपको बज़ाहिर तो लगेगा कि इररेगुलर ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन असल में मैथमेटिकली आपको ये पता चला कि ये जो फ्री वाइब्रेशन हो रही है, जो ऑसिलेशन हो रही है, ये कुछ रेगुलर किस्म की सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जमा है, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस असल में मोड शेप्स की मोशंस हैं या इस तरह की एनिमेशंस हैं। उनको आप जमा करें विद डिफरेंट प्रोपोर्शंस एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट तो आपके पास वही शेप आएगी जो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है फ्री वाइब्रेशन की वजह से उसी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट के ऊपर, और ये बात हर टाइम इंस्टेंट पे वैलिड होगी। सो लिहाजा थिंक ऑफ दिस मोड शेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफॉर्म्ड शेप इन विच द स्ट्रक्चर विल एक्सचेंज काइनेटिक एंड स्ट्रेन एनर्जीज कॉन्टीन्यूअसली। सो ये एक थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है मोड शेप की, लेकिन इसमें आप यूं समझ लें कि मोड शेप असल में सबसे वल्नरेबल डिफॉर्म्ड शेप है या डेफॉर्मेशन कॉन्फिग्रेशन है स्ट्रक्चर की, यानी ये वो शेप्स हैं जिनमें स्ट्रक्चर को अगर डिफॉर्म करवाना हम चाहें तो बहुत आसानी से करवा सकते हैं। जितनी पॉसिबल डिफ्लेक्टेड शेप्स हैं स्ट्रक्चर की उनमें सबसे आसानी से वो मोड शेप्स की शक्ल में डिफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज ये वो शेप है जिसमें वो खुद डिफॉर्म होना पसंद करती है। स्ट्रक्चर जो है उसकी एम और के मैट्रिसेस ऐसे हैं कि वो इन्हीं शेप्स में डिफॉर्म होना चाहेगा। तो ये सारी गेम है एम और के मैट्रिक्स की कि उसका मैस और स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि उसकी कुछ खास शेप्स होंगी, हर स्ट्रक्चर की डिफरेंट होंगी, जाहिर है उसका एम और के डिफरेंट होगा तो हर स्ट्रक्चर की ये शेप्स डिफरेंट होंगी, लेकिन उनमें एक ओवरऑल ग्लोबल बिहेवियर जो है या जो पैटर्न है वो इसी तरह का होगा कि फर्स्ट मोड शेप में सारी स्टोरीज एक तरफ को जा रही होंगी जैसे ये वाली शेप में है, सेकेंड मोड शेप में टॉप स्टोरीज और नीचे वाली स्टोरीज आपस में ऑपोजिट होंगी, यानी टॉप स्टोरीज जब राइट पे जा रही हैं तो लेफ्ट स्टोरीज जो हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं नीचे वाली। और थर्ड मोड शेप में ये होगा जैसे ये आपने कैलकुलेट भी किया कि जब टॉप स्टोरी इधर को जा रही है तो कुछ स्टोरीज इधर को जा रही होंगी नीचे वाली, लेकिन फिर दोबारा से बॉटम स्टोरीज जो हैं वो दोबारा से टॉप वाली की तरफ यानी राइट को ही जा रही होंगी। सो लिहाजा ये एक वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं हर बिल्डिंग के लिए, लेकिन एक अच्छी बिल्डिंग जो वेल प्रोपोर्शन बिल्डिंग है उसकी मोड शेप्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हैं वो इसी ऑर्डर में या इसी पैटर्न में होंगी। वैल्यूज़ ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी, एम और के पे डिपेंड करेंगी, लेकिन ओवरऑल शेप जो है वो कुछ इसी तरह की होगी। सो लिहाजा थिंक ऑफ दिस मोड शेप एज अ शेप एंड नॉट एज अ डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो मोड शेप्स या फी वैक्टर्स हैं ये अगेन मैं कहूँगा कि अप्लाइड लोडिंग का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जब आप मॉडल एनालिसिस रन करते हैं सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल किसी भी दूसरे लोड केस की तरह वो इसके लिए भी सारी डिस्प्लेसमेंट्स और शीयर और स्टोरी मोमेंट्स और जो भी कोई रिस्पॉन्सेज होते हैं शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स वगैरह वो इनके लिए भी रिपोर्ट कर देता है। लेकिन अगेन जिस तरह हमारे पास मोड शेप्स की वैल्यूज़ जो हैं इनके जो अपने ऑर्डिनेट्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मीनिंगलेस हैं, उसी तरह वो सारे रिजल्ट्स जो मॉडल लोड केस के अगेंस्ट आएंगे ई टैब्स में उनकी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मीनिंगलेस होंगी, उनकी रिलेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टोरी शेयर की बात करते हैं, सो अगर आपके पास ये मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है और आपके पास फर्स्ट मोड शेप
के कॉरिस्पॉन्डिंग जो स्टोरी शियर आ जाती है, या मॉडल एनालिसिस की कॉरिस्पॉन्डिंग जो स्टोरी शियर आ जाती है, वो लेट से इस तरह आ जाती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, लेट से इस तरह कि बॉटम के ऊपर सबसे ज़्यादा और ऊपर जाते जाएं तो शियर कम होता जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर की ग्लोबल SFD है बेसिकली। सो अब इसमें आपके पास ऑब्वियसली ये जो एब्सोल्यूट नंबर होंगे इसके, इस कर्व के, वो मैटर नहीं करेंगे। ये मैटर करेगा हाँ कि जो ऑर्डर है, जिस तरीके से ये कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं, वैसे जब हम बेस की तरफ जा रहे हैं, ये पैटर्न मैटर करेगा। सो दिस शियर डिवाइडेड बाय दिस शियर, दिस रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, नॉट देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। सो सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट और रिस्पॉन्सेज आपको अप्लाइड लोडिंग के रिस्पॉन्स की तरह नज़र आ रहे होंगे, वो असल में किसी अप्लाइड लोडिंग के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा। वो बेसिकली ये होगा कि मोड शेप्स की शक्ल में अगर कोई स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसी फोर्स आती जो इसको मोड शेप्स की शक्ल में डिफ्लेक्ट करती, तो ये रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते। सो लिहाजा ये हमारे पास किसी रियल लोडिंग के अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज नहीं है, बल्कि हाइपोथेटिकल रिस्पॉन्सेज हैं, और हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को नहीं देखेंगे बल्कि इनकी रिलेटिव वैल्यूज़ को देखेंगे कि शीयर फोर्स मेंबर टू मेंबर कैसे चेंज हो रही है, बेंडिंग मोमेंट कैसे चेंज हो रही है, या डिफ्लेक्टेड शेप स्ट्रक्चर की कैसे है। सो उनकी वैल्यूज़ नहीं पिक करेंगे बल्कि शेप को देखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने मोड शेप्स को देखा है, यानी टॉप नंबर को खुद वन कर दिया है ताकि दूसरे दो नंबर्स उसके रिलेटिव आ सकें। सो बिफोर आई गो टू सॉफ्टवेयर, द फाइनल थिंग इज कि मोड इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, मोड इज अ शेप, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स ड्यू टू एनी इनपुट लोडिंग। द रिजल्ट ऑफ मॉडल एनालिसिस, या जो भी आपके पास मॉडल एनालिसिस से सॉफ्टवेयर में रिजल्ट आएंगे, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डायनामिक लोडिंग, ओनली द रिलेटिव वैल्यूज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन हैव एनी मीनिंग, नॉट द एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स के केस में आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन बन रहा है वो ये है। ये हमारा ओरिजिनल जनरल सोल्यूशन था, हमें ये पता चला कि ना ओमेगा एक नंबर है ना फी एक वेक्टर है। सो लिहाजा हम अब फाइनल जो जनरल सोल्यूशन, बिल्कुल जनरल सोल्यूशन इस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के केस में देखेंगे, वो ये होगा, यानी यू ऑफ टी विल बी इक्वल टू दिस ए वन फी वन इंटू साइन ओमेगा वन टी प्लस थीटा वन। सो ये जो पूरी पहली टर्म है, आप इसको ऐसे सोचें कि ये बेसिकली फर्स्ट मोड की कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स दिस टोटल यू। सो दिस फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट मोड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरह जो सेकेंड टर्म है, ये पूरी टर्म, ये सेकेंड मोड की कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स दिस टोटल यू। इसी तरह ये थर्ड मोड की कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो लिहाजा तीनों मोड्स आपस में मिल के फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स बना रहे हैं। लेकिन इस लॉन्ग एक्सप्रेशन में भी अगर आप देखें तो अभी भी 6 चीज़ें ऐसी हैं जो अननोन हैं। ये A1, A2 और A3 और इसी तरह थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, ये जो 6 चीज़ें हैं ये अननोन हैं और ये इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेंगी। और इनिशियल कंडीशंस भी जो हमें गिवन होंगी वो अब एक एक नंबर गिवन नहीं होगा बल्कि 3/1 की वेक्टर्स होंगी बेसिकली। सो लिहाजा यू ऑफ ज़ीरो एक नंबर नहीं होगा अब, बल्कि यू ऑफ ज़ीरो एक पूरा वेक्टर होगा जिसमें 3 एंट्रीज होंगी इस स्ट्रक्चर के लिए, और वो तीनों एंट्रीज बेसिकली इनिशियल कंडीशंस हैं कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट्स। इसी तरह यू डॉट ऑफ ज़ीरो भी एक 3/1 का वैक्टर होगा, और वो वैक्टर बेसिकली 3 इनिशियल विलोसिटीज़ होंगी corresponding to each degree of freedom. So, अगर आपको ये 6 नंबर्स गिवन कर दिए जाएं जो इनिशियल कंडीशंस हैं, तो आप ये 6 नंबर्स से 6 अननोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस इक्वेशन में आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। सो अगर लेट से आप ये कर सकें तो फिर आपके पास जो फाइनल यू ऑफ टी होगा वो पूरा का पूरा नोन हो जाएगा, और अब आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकेंगे फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स। सो ये पार्ट जो है ये अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपने आप को अभी रिस्ट्रिक्ट करेंगे मोड शेप्स की कैलकुलेशंस और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की कैलकुलेशंस तक। सो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन फॉर फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स, समेशन की शक्ल में अगर लिख लें किसी एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए, तो ये वो फाइनल इक्वेशन है कि सारे मोड शेप्स को ए अपने अपने कॉरिस्पॉन्डिंग ए वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें,
साइन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर सम कर दें। सो ये यू करने से आपके पास यू ऑफ टी आ जाएगा। लेकिन किसी रियल स्ट्रक्चर के लिए ऐसा नहीं होता कि आपके पास अगर लेट से 50 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो 50 के 50 जो मोड शेप्स हैं वो सारे के सारे बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स यू ऑफ टी। पहले तीन या चार मोड्स या चंद मोड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद जो हायर मोड्स होते हैं फिफ्थ सिक्स सेवन्थ अप टू एनी मोड्स, वो जो हैं वो उनकी कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होती जाती है। सो लिहाजा पहले तीन या चार या पाँच मोड्स में ही सारी की सारा यू ऑफ टी का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो कवर हो जाता है, और बाकी जो है वो 1 या 2% या जो भी एरर है वो अक्सर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो मोस्टली यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन फर्स्ट 3, 4 और 5 मोड्स रियल बिल्डिंग के केस में। सो ऐसा नहीं है कि आप जितने नंबर ऑफ स्टोरीज हैं उतने मोड्स में इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा नहीं है। सो अब ये वही आइगन वैल्यू इक्वेशन को आप जनरली सॉल्व कर सकते हैं। समरी ये है कि आपने सॉफ्टवेयर में सिर्फ एम और के मैट्रिसेस देने हैं और फिर रन कर देना है। सो आपको सॉफ्टवेयर खुद ही ये ओमेगा और फी जो है वो दिखा देगा, बेसिकली टाइम पीरियड्स और फी जो है वो आपको डायरेक्टली नज़र आ जाएंगे। सो ये वो बैक एंड पे वो सारा काम करेगा जो अभी हमने 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए किया है, लेकिन वो एन स्टोरी बिल्डिंग के लिए करेगा। फिर सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले एक चीज़ और भी है, वो ये कि देखें अभी तो हमने 2 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट कंसिडर किया है, सॉफ्टवेयर जो है वो तो 3D स्ट्रक्चर कंसिडर करेगा, उसमें तो आपने 3D स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो विच मीन्स कि सॉफ्टवेयर में हर स्टोरी के ऊपर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो एक नहीं होगी। पहले तो ये कि वो एक तो हर पॉइंट पर डिफरेंट होंगी, सॉफ्टवेयर हर पॉइंट पे डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेता है, लेकिन लेट से आपने वो मैथ्स को लंप कर भी दिया है, सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होती है, सो मैथ्स को अगर आपने लंप कर दिया है सेंटर पे हर स्टोरी के, इसके बावजूद इस मैथ्स के ऊपर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी एटलीस्ट। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी एक ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में, दूसरी होगी दूसरी ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में, और तीसरी होगी जो इन प्लेन रोटेशन होगी, यानी रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इस तरह। तो इसका मतलब है हर स्टोरी जो है वो 3 मोड रखेगी। सो अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके 15 मोड्स सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, हर मोड जो होगा वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन देखें फॉर्मुलेशन एग्जैक्टली वही है, एम और के वही होगा, बस ऑर्डर उसका इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो गई हैं। वही आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी, वही सब कुछ होगा, लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अब इंक्रीज हो जाएंगी। सो लिहाजा सॉफ्टवेयर जो है वो लेट से फर्स्ट मोड जो होगा वो इस तरह कैलकुलेट करेगा कि वो किसी एक ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में स्वे की डायरेक्शन में मोड होगा। सो इसी तरह जो सेकंड मोड होगा वो दूसरी डायरेक्शन में एक तरह का फर्स्ट मोड होगा, ठीक है। सो अगर आप इसको इस डायरेक्शन में इसका व्यू देखेंगे तो आपको ये वाला जो यू वन डायरेक्शन में मोड शेप है वो फर्स्ट मोड की तरह नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो फिर जो यू टू के कॉरेस्पॉन्डिंग मोड शेप है वो बेसिकली फर्स्ट मोड हो जाएगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर टॉर्शनल मोड्स भी कैलकुलेट करेगा, वो ये होगा टॉर्शनल मोड, यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम U3 कह देते हैं इसको, इस U3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोड शेप सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा उसमें बिल्डिंग एक तरह की ट्विस्ट हो रही होगी, और ये बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। बस आप यूं समझ लें कि एम जो आपने बनाया था उसमें आपने डायगनल मैसेज रखे थे, ठीक है। सो अब आप उसी तरह डायगनल मैसेज रखेंगे, लेकिन अब आप यूं रखेंगे, देखें U1, U2, U3, U4, U5, U6 इस तरह करते जाएंगे, ठीक है, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज रखेंगे। सो U1 और U2 का जो मैस होगा वो वही होगा जो फर्स्ट या टॉप स्टोरी का मैस है। सो पहले आप सिर्फ एक 2D फ्रेम ले रहे थे इस तरह का, और उस फ्रेम में हर स्टोरी पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ थी। अब यूं समझ लें कि इन टू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर नोड के ऊपर वो भी अलाउ हो गई है, और फिर जो ट्विस्ट है या टॉर्शन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अलाउ हो गई है हर नोड के ऊपर। सो हर फ्लोर के ऊपर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉफ्टवेयर कंसिडर करेगा लंप मैस के केस में। सो लिहाजा आपके पास 3 किस्म के मोड्स आएंगे। एक मोड होंगे जो U1 डायरेक्शन में होंगे, एक्स डायरेक्शन है लेट से ये बिल्डिंग की, और लेट से ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। सो एक मोड होंगे जो एक्स डायरेक्शन में होंगे, एक टाइप के मोड होंगे जो वाई डायरेक्शन में होंगे, और एक टाइप के मोड होंगे जो इन रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये टॉर्शनल मोड्स होंगे। तो अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग है
तो 15 मोड सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, पांच जो हैं वो एक्स डायरेक्शन में होंगे, पांच वाई में होंगे और पांच टॉर्शनल डायरेक्शन में होंगे। फिर जो पांच एक्स में होंगे उनमें हम उसकी शेप के मुताबिक डिसाइड करेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, एक्सेट्रा। ओके सर। सो अभी हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, बट वन लास्ट थिंग कि ये देखें इस इक्वेशन की ग्राफिकल फॉर्म कैसी बनती है। क्या आप एज्यूम करें कि जैसे phi 1, phi 2, phi 3 तीन शेप्स हैं स्ट्रक्चर की, और इन शेप्स को इनके कॉरिस्पॉन्डिंग a1, a2, a3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब जब आप इनको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे अपनी इनिशियल कंडीशन और माइनस ऑफ द इनिशियल कंडीशन के दरमियान में। इस तरह इन एनिमेशंस को अगर आप जमा कर दें हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर, तो आपके पास वो डिफ्लेक्टेड शेप आ जाएगी जो फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स है हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर, जो कि बेसिकली कुछ इनिशियल कंडीशंस ने स्टार्ट की थी। सो ये इस इक्वेशन की ग्राफिकल फॉर्म है, ये जो इस स्लाइड के ऊपर आपको फिगर नजर आ रही है। सो आई होप कि ये विजुलाइज हो गया होगा आपके जेहन में कि ये कैसे हो रहा है। एक और जरा एग्जाम्पल देखें इसी की। अब इसमें मैं एनिमेशन भी इवन ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि कोई इनिशियल कंडीशंस थी ये, और इन इनिशियल कंडीशंस की वजह से ये स्ट्रक्चर अब फ्री वाइब्रेट कर रहा है जो आपको रैंडम लग रहा है, लेकिन असल में ये तीन सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जमा है। और ये तीन हार्मोनिक मोशंस किस चीज़ की हैं, मोड शेप्स की मोशंस हैं। अगर मैं किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर इसको रोकता हूँ वीडियो को, तो आप देखें ये जो डिफ्लेक्टेड शेप आपकी आ गई है इस स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे, ये इन तीन शेप्स को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में जमा करके बनाई जा सकती है। मैं इसको a1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको a2 से और इसको a3 से, और फिर इनको जमा करूंगा तो मेरे पास ये शेप आ जाएगी। और बाय द वे आप देख भी सकते हैं कि इस शेप में, इस डिफ्लेक्टेड शेप में कुछ जो है वो फर्स्ट मोड की कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ सेकेंड की और कुछ थर्ड की। अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर तो आपको ज़्यादा तो आई थिंक थर्ड की नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें देखें टॉप स्टोरीज एक तरफ को जा रही हैं, बॉटम फिर उसी तरफ को जा रही हैं, और बाकी बीच की स्टोरीज उसके ऑपोजिट जा रही हैं। तो इस स्पेसिफिक शेप में आप कह सकते हैं कि इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो A3 होगा वो ज़्यादा होगा, विच मीन्स कि थर्ड मोड की कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, सेकेंड और फर्स्ट की थोड़ी कम कम होंगी। जब आप इनको स्टिच करेंगे, जमा करेंगे, तो आपके पास ये ओरिजिनल डिफ्लेक्टेड शेप आ जाएगी। और ये काम हर टाइम इंस्टेंट पे होगा। अगर मैं किसी और मूवी पे रोकता हूँ किसी और टाइम इंस्टेंट पे, तो अब इसकी ये शेप बनाई जा सकती है उसी तरह A1, A2, A3 से मल्टीप्लाई करके, इन मोड शेप्स को जमा करके। ये ज़्यादा मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है या पिक्चर है फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स की। पहला काम तो ये है कि हम ये शेप्स कैलकुलेट करें और इनके ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करें। ये ऑसिलेट होगी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा 1 से, ये ऑसिलेट होगी ओमेगा 2 से, और ये ऑसिलेट होगी ओमेगा 3 से। अब हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और ई टैब्स में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप मोड शेप्स कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इनकी टिपिकल वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे देख सकते हैं। अभी बल्कि यहीं पर मैं आपको देखें बता देता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो फर्स्ट मोड शेप है बिल्डिंग का, वो नंबर ऑफ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10 के करीब होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। नंबर ऑफ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10। ये गाइडलाइन आपने जेहन में रखनी है। अप्रॉक्सीमेटली इससे आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट जो कॉन्सिड्रेशन हैं। जो T1 है फर्स्ट टाइम पीरियड, वो नंबर ऑफ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड के आगे पीछे कहीं होना चाहिए। 10 स्टोरी बिल्डिंग का टाइम पीरियड 0.8 से कहीं 1.2, इस तरह इस रेंज में होना चाहिए। इसी तरह जो सेकेंड टाइम पीरियड होता है T2, वो फर्स्ट मोड का 1/3 होना चाहिए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अगर T1 जो है वो 3 सेकेंड है किसी बिल्डिंग का, तो उसी डायरेक्शन में जो सेकेंड मोड शेप का टाइम पीरियड होगा वो 1 सेकेंड होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, या 0.9 या 1.2, इस तरह होना चाहिए। ये टाइम पीरियड्स की एक टिपिकल रेंज है। इसी तरह जो T3 है वो T2 का 1/3 होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ये एक हेल्दी रेंज है टाइम पीरियड्स की। और मोड शेप्स तो आपको देखने से, एनिमेट करवाने से ही कोई अगर खामी होगी या वीकनेस होगी स्ट्रक्चर में, या कोई मॉडल के अंदर गलती होगी, तो वो नज़र आ जाएगी। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये गाइडलाइंस हैं टाइम पीरियड्स के बारे में। और
कुछ बाकी चीज़ें भी होंगी, वो फिर मैं सॉफ्टवेयर पे आपको जैसे जैसे मुझे याद आएंगी मैं दिखाता जाऊंगा। सो ये मेरे पास ई टैब्स हैं और मैं लेट्स से इसमें एक स्टार्टिंग टेम्पलेट से एक स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करता हूँ और फिर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज और उसके मोड शेप्स वगैरह देखेंगे। सो लेट्स से मैं न्यू मॉडल करता हूँ और कोई टेम्पलेट से ही सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ कर लेता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। सो आई एज्यूम कि आप इसमें बेसिक जो मॉडलिंग है लीनियर इलास्टिक मॉडलिंग वो आप कर सकते हैं। सो लेट से एक रेक्टेंगुलर फुटप्रिंट का जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक्स डायरेक्शन में जो है वो 6 नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस हैं और वाई में 4 हैं, और लेट से मैं फ्लैट प्लेट सिस्टम की जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो यूज़ कर लेता हूँ। सो सारी डिफॉल्ट वैल्यूज़ लेट से मैंने ले ली और ओके मैं कर देता हूँ। सो ये मेरे पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग, बिल्कुल हाँ ये 3 स्टोरी बिल्डिंग मेरे पास आ गई है जो एक फ्लैट प्लेट सिस्टम है, ठीक है। सो इसकी मोड शेप्स देखते हैं और फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद देखेंगे। सो पहली चीज़ जो आपने करनी है मॉडल एनालिसिस रन करने से पहले, वो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें तो करनी हैं जो आपने मटेरियल्स डिफाइन करने हैं, क्रॉस सेक्शन डिफाइन करने हैं या बाकी जो चीज़ें करनी हैं जो किसी भी नॉर्मल मॉडल में होती हैं। उसके अलावा आपने एक जो एडिशनल चीज़ करनी है वो है ये डिफाइन में जाके मैथ सोर्स को आपने देखना है। मैथ सोर्स का मतलब ये है कि अब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ये बता रहे हैं कि मैथ मैट्रिक्स बनाने के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आएँ, स्टोरी मैसेज कहाँ से आएँ। सो आप इसको मॉडिफाई करेंगे। सो आप देखें डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यूज सेलेक्ट हुई हुई हैं वो हैं एलिमेंट सेल्फ मैस एंड एडिशनल मैस। सो सेल्फ मैस तो आपको पता है जो डेड वेट है, सेल्फ वेट है। एडिशनल मैस अगर कोई किसी पॉइंट के ऊपर एडिशनली मैस असाइन किया गया है अदर देन उसका अपना वेट, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा मैस मैट्रिक्स में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं जो है स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स। इसमें आप ये करेंगे कि लेट से देखें, लेट से आप सुपर इम्पोज डेड लोड जो है वो भी ऐड करना चाहते हैं मैथ मैट्रिक्स में, और जो कि करना चाहिए। सो उस सूरत में आप यहाँ पे सुपर इम्पोज डेड लोड का जो पैटर्न आपने बनाया होगा वो सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। सो उस सूरत में जो मैथ मैट्रिक्स है उसमें सुपर इम्पोज डेड लोड भी मैथ में कन्वर्ट होके ऐड हो जाएगा। अभी हम सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यूज ही रखते हैं। और देखें जो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इंक्लूड लेटरल मैस जो है वो चेक हुआ है, वर्टिकल मैस चेक नहीं हुआ हुआ। सो वर्टिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है या उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मोड शेप्स कैलकुलेट नहीं होंगे। लंप लंप लेटरल मैस एट स्टोरी लेवल्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने स्लाइड्स में देखा है कि हम सारे के सारे स्टोरी मैस को एक पॉइंट पे लंप कर लेंगे और अगर ये ऑप्शन चेक करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी एग्जैक्टली यही करेगा। उस सूरत में वो हर स्टोरी के ऊपर मैथ्स को लंप करके उसके ऊपर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज्यूम करके मॉडल एनालिसिस रन करेगा। तो इन ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और ओके करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। सर जी जी सर इसमें जो एडिशनल मैथ जो पॉइंट था सर, उसमें और स्पेसिफाइड लोड पैटर्न्स में फर्क क्या होगा? देखें एडिशनल मैथ्स में आप ये करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को कोई अलग से मैस की लम्प्ड वैल्यू असाइन कर देते हैं। आप सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताते कि ये मैस किस चीज़ का है या कहाँ से आ रहा है, बस आप डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। सो मैस असाइन करने की भी ऑप्शन होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट के ऊपर ये जो एक एक्सट्रीम नोड था जो आपको नज़र आ रहा है रूफ का, इसके ऊपर मैं लेट से 10 किलो वज़न या 10 किलो मैस ऐड करना चाहता हूँ, कोई चीज़ एडिशनली पड़ी हुई है। सो मैं चाहूँ तो इसको लोड की तरह अप्लाई कर दूँ, उस सूरत में तो ये लोड पैटर्न में ऐड हो जाएगा, लोड केस में ऐड हो जाएगा और एनालिसिस में काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मैथ्स के तौर पे और मैथ्स मैट्रिक्स में ऐड हो, तो उस सूरत में मैं इसको मैथ्स की तरह अप्लाई करूँगा। सो मैं इस नोड को सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा असाइन और इसी तरह जॉइंट पे, और यहाँ पर देखें कि हमारे पास एडिशनल मैथ्स की ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की डायरेक्शन में कोई मैस दे सकता हूँ। तो अगर मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई मैस जो कि मैस यूनिट्स में पुट करूँगा, सो आपके पास वो मैस यहाँ ऐड हो जाएगा और बाद में उस ऑप्शन के ज़रिए मैस मैट्रिक्स में भी ऐड हो जाएगा। लेकिन लोड जो है वो आप लोड की तरह अप्लाई करते हैं, वो फिर एनालिसिस में भी काउंट होता है, और अगर वो थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे लोड वाली तो फिर वो आप मैस मैट्रिक्स में भी काउंट हो जाएगा। सो ये इन दोनों में फ़र्क है।
ठीक है। सो आगे चलेंगे, इसमें डिफाइन में जाएंगे दोबारा से और फिर आप ये देखेंगे मॉडल केस। तो पहला काम आपने किया मैस सोर्स के बारे में आप कंफर्म किया कि ये दुरुस्त है, फिर मॉडल केस में जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये मॉडल का जो केस होता था ये लोड केसेस के अंदर ही डिफॉल्ट में पहला लोड केस बना होता था और आप इसको छेड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब इन्होंने मॉडल केस का अलग से एक फॉर्म बना दिया। सो इसमें जो डिफॉल्ट में एक केस बना हुआ है पहले से, वो देखिए इसका नाम है मॉडल आइगन, और आप इसको मॉडिफाई करें तो यहाँ पर आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। एक तो ये कि ये आइगन और रिट्स दो ऑप्शन हैं। सो ये आपको एनालिसिस प्रोसीजर बेसिकली मोड शेप्स की कैलकुलेशन का सेलेक्ट करना है। अभी आप सिर्फ आइगन वैल्यू एनालिसिस से वाकिफ हैं, सो आइगन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है बाकी भी आप देख सकते हैं अपने फारग टाइम में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कितने मोड्स सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करे, ठीक है। सो कम अज़ कम जितने नंबर ऑफ स्टोरीज हैं उनके 3 गुना तो सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट करना चाहिए। सो ये आई थिंक 4-स्टोरी बिल्डिंग है, सो लिहाजा 12 मोड्स सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करे। सो ये नंबर हम यही रहने देंगे और ओके कर देंगे। सो जब ये वाला केस अब रन होगा तो सॉफ्टवेयर असल में 12 मोड्स इस बिल्डिंग के रिपोर्ट करेगा। सो ओके कर देता हूँ मैं। सो अगर आप अब जाएं एनालाइज में और यहाँ पर देखें सेट लोड केसेस टू रन में, सो दो लोड केस तो पहले से ही बने हुए हैं जो लोड केस हैं, बेसिकली अप्लाइड लोडिंग वाले केस हैं, डेड और लाइव। लेकिन पहले नंबर पे एक डिफॉल्ट में बना हुआ है जो कि मॉडल वाला केस है। सो ये लोड केस नहीं है, ये मॉडल केस है। सो अब इसको रन कर देते हैं सॉफ्टवेयर को, इस मॉडल को बेसिकली रन करते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके टाइम पीरियड्स और मोड शेप्स कहाँ से आप देख सकते हैं। सो मैं रन नाउ करता हूँ और पहले इस मॉडल को आई थिंक सेव करना पड़ेगा। सो मैं इसको लेट से किसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ। सो आई होप कि ये क्विकली देखते देखते ही रन हो जाएगा बिकॉज 4-स्टोरी बिल्डिंग है। सो आप ये देखें कि बॉटम पे क्रिएटिंग एनालिसिस मॉडल आ रहा था और उसके बाद ये क्विकली इन तीनों केसेस के लिए रन हो गया, मॉडल के लिए, डेड के लिए और लाइव के लिए। सो रन होने के बाद आप इसकी डिफ्लेक्टेड शेप में जाएंगे और वहाँ पे मोड शेप्स देख सकते हैं, डेड और लाइव के अगेंस्ट भी देख सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ मॉडल के केस में देखेंगे। सो लेट्स से मैं 3D व्यू पे क्लिक करता हूँ और ये देखें डिफ्लेक्टेड शेप के खाने में मैं जाता हूँ, डिफॉर्म शेप में। ये डिस्प्ले के अंदर भी आ जाएगा लेकिन यहाँ पर भी है। सो देखें केस या मोड, तो मैं मोड को क्लिक करता हूँ और मोड नंबर 1 आप लेट्स से लिस्ट में सेलेक्ट कर लें और अप्लाई कर दें। सो जब आप अप्लाई करेंगे तो अब ये एक डिफ्लेक्टेड शेप आ गई है। ये शेप वैसे तो विजुलाइज करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप ये बॉटम पे स्टार्ट एनिमेशन का बटन दबाएंगे तो अब ये मोड शेप एनिमेट हो रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी पावर पॉइंट में दिखाई थी। सो ये देखें, ये बिल्डिंग के वाई डायरेक्शन में, ये जो ग्रीन एरो है ये वाई डायरेक्शन है, जो रेड एरो है ये एक्स डायरेक्शन है। सो ये वाई डायरेक्शन में फंडामेंटल स्वे का मोड है, यानी सारी बिल्डिंग जो है, ये सारी जो स्टोरीज हैं ये वो वाई में एक दफ़ा राइट पे जाती हैं, एक दफ़ा लेफ्ट पे जाती हैं, लेकिन वाई डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये वाई डायरेक्शन का फर्स्ट मोड है, जो फर्स्ट मोड है सॉफ्टवेयर की नंबरिंग के मुताबिक। और यहाँ टॉप के ऊपर आपके पास इसका टाइम पीरियड भी आ रहा है और मोड नंबर भी आ रहा है। इसी तरह मैं इसको नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो अब सेकंड मोड शेप एनिमेट हो जाएगा। तो सेकंड मोड शेप अगर आप देखें तो वो फंडामेंटली स्वे कर रहा है रेड डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में, और ये फर्स्ट मोड की शेप बनती है बिकॉज सारी की सारी स्टोरीज या लेफ्ट पे जा रही हैं इकट्ठी या राइट पे जा रही हैं इकट्ठी। सो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड मोड था सॉफ्टवेयर की नंबरिंग के मुताबिक, ये एक्स डायरेक्शन का पहला मोड है, ठीक है। इसी तरह मैं थर्ड मोड देखता हूँ। थर्ड मोड जब एनिमेट होगा तो ये देखें टॉर्शन में जा रहा है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ सिर्फ ट्विस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वो जो टॉर्शनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मोड शेप है और ये टॉर्शन की पहली मोड शेप है। सो ये जो पहले 3 मोड शेप्स हैं ये असल में तीनों जो डायरेक्शंस थी या तीनों टाइप्स के मोड्स थे उनके पहले पहले मोड हैं। पहला मोड वाई का पहला मोड था, सेकंड मोड सॉफ्टवेयर का जो था वो एक्स का पहला मोड था,
और थर्ड मोड जो सॉफ्टवेयर का है वो टॉर्शन का पहला मोड है। इसी तरह लेट से फोर्थ मोड पे जाते हैं और फोर्थ मोड एनिमेट हो रहा है। अब ये देखें, अब ये फोर्थ मोड देखें क्या कर रहा है कि वाई डायरेक्शन में स्वे कर रहा है, लेकिन इस तरह के जब टॉप स्टोरीज एक तरफ को जा रही हैं तो मिडिल स्टोरीज दूसरी तरफ को जा रही हैं। सो ये जो एनिमेशन है ये असल में सेकंड मोड की एनिमेशन है और सेकंड मोड वाई डायरेक्शन का, और सॉफ्टवेयर की नंबरिंग के मुताबिक ये फोर्थ मोड है। सो फोर्थ मोड इज बेसिकली द सेकंड मोड इन वाई डायरेक्शन। इसी तरह जो फिफ्थ मोड होगा, फिफ्थ मोड वो असल में एक्स डायरेक्शन का सेकंड मोड होगा। सो ये देखें, ये अब फिफ्थ मोड मैंने क्लिक किया है। सो फिफ्थ मोड असल में देखें ये सेकंड मोड शेप की शक्ल है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में सेकंड मोड शेप। सो यही व्यूज जो है आप प्लान व्यू में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्स मोड पे जाते हैं। अब सिक्स मोड असल में टॉर्शन का सेकेंड मोड है, ठीक है। अब इसमें बिल्डिंग असल में दो तरह से ट्विस्ट हो रही है, टॉप पे ट्विस्ट और एंगल पे हो रही है, यानी जब टॉप स्टोरीज जो हैं वो क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो रही हैं तो बॉटम स्टोरीज एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो रही हैं। तो ये असल में टॉर्शन का सेकंड मोड है। अगर आप इसको टॉप व्यू में देखें, प्लान व्यू में, तो प्लान व्यू पे क्लिक करके भी एनिमेट करवा सकते हैं। सो लेट्स से ये मोड पे जाता हूँ और मैं सिक्स मोड क्लिक करता हूँ। सो आप टॉप व्यू में भी ये एनिमेशन देख सकते हैं या किसी एलिवेशन व्यू में भी देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा क्लियर आपको आइडिया हो जाए कि कैसे मॉडल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। सो अगेन ये जो शेप्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ये किसी लोडिंग के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं है, ये अर्थक्वेक का रिस्पॉन्स नहीं है, ये कुछ पॉसिबल शेप्स हैं जो स्ट्रक्चर के डायनामिक रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, ठीक है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की। इसी तरह थर्ड मोड लेट से देखते हैं, इस 3D व्यू में जाते हैं और मैं जाता हूँ अब मोड नंबर 7 पे। अब मोड नंबर 7 की एनिमेशंस देखें तो ये वाई डायरेक्शन का थर्ड मोड है असल में, क्योंकि देखें टॉप स्टोरीज और बॉटम स्टोरीज एक तरफ को जा रही हैं और बीच की स्टोरीज दूसरी तरफ को जा रही हैं, तो ये बिल्कुल थर्ड मोड की शेप बन जाती है। अगर मैं इसको विजुलाइज करवाना चाहूँ इस क्या कहना चाहिए एलिवेशन व्यू में, तो मैं जा सकता हूँ यहाँ पे एलिवेशन में और फिर लेट से मैं स्पेसिफिक फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, फ्रेम ए, और अप्लाई करता हूँ। सो अब मैं इसको एनिमेट करवाता हूँ। ये बेसिकली मोड नंबर यहाँ पे मैं लेट से 7th सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो डिफॉर्म शेप में मैं गया और मोड नंबर 7 में ओके कर दिया और एनिमेशन स्टार्ट कर दी। सो अब आप देखेंगे आप इसको वाई डायरेक्शन की तरफ से देख रहे हैं, तो ये डिफ्लेक्टेड शेप जो फ्रेम्स की बन रही है ये थर्ड मोड शेप है, ठीक है। आप इसको किसी भी पॉइंट पर रोक के ये शेप देख सकते हैं। और अभी आपने एक 3-स्टोरी बिल्डिंग के लिए थर्ड मोड देखा है, उसकी शेप भी ऐसी ही बन रही थी। इसी तरह जो 8th मोड होगा वो थर्ड मोड हो जाएगा एक्स डायरेक्शन का। सो यहां पर अगर मैं 8 पे जाता हूं इस व्यू में, सो यहां पर आप देख सकते हैं किसी एक को लेट से मैं स्टॉप करता हूं, इसको भी स्टॉप करता हूं और नेक्स्ट 8th मोड पे मैं गया हूं, तो अब ये देखेंगे ये अब एक्स डायरेक्शन का थर्ड मोड है। इसको जरा एक्स की तरफ से देखें तो आपको ये थर्ड मोड में बिल्डिंग वाइब्रेट करती हुई नजर आ रही होगी। सो ये बहुत यूजफुल शेप्स हैं जो आपको आइडिया देंगी कि स्ट्रक्चर में कोई इशू तो नहीं है। सो अब क्विकली एंड पे मैं आपको दो चैलेंज चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये कि इनकी टेबुलर वैल्यूज़ कहाँ से देखनी है, और दूसरी ये कि आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर में मॉडल में गलती कर दी है तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगी इस मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट्स के अंदर। सो लेट्स से मैं दोबारा से अनडिफॉर्म्ड शेप में चला जाता हूँ, इसमें भी अनडिफॉर्म्ड शेप में चला जाता हूँ। और पहली चीज़ तो ये कि टेबुलर वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। सो एक तो मोड शेप्स की वैल्यूज़ आपके पास या जो मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले में, शो टेबल्स में, और फिर आपके पास यहाँ पर एनालिसिस की ऑप्शन आएगी, रिजल्ट्स में जाएंगे और फिर मॉडल रिजल्ट्स में, और मॉडल पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसीज के अंदर आपके पास यहाँ पर ओमेगा और टाइम पीरियड्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो ये 12 मोड्स हैं जो सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किए हैं, और बेसिकली ये तीन तीन मोड्स हैं, पहले तीन तीन मोड्स, बेसिकली 4 स्टोरीज हैं ये, तो हर स्टोरी के लिए 3 मोड्स कैलकुलेट किए हैं, तो टोटल 12 मोड्स हैं।
ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा की वैल्यूज हैं, और ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब टाइम पीरियड में कन्वर्ट किया तो ये उनकी वैल्यूज हैं। बेसिकली ओमेगा जो है वो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है, और आइगन वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो क्या था, ओमेगा स्केयर था। सो ये लास्ट कॉलम ओमेगा स्केयर है, ये कॉलम ओमेगा है उसका अंडर रूट, ये एफ है फ्रीक्वेंसी, जो एफ होती है फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा है जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है जो स्मॉल एफ से शो होती है। ये टाइम पीरियड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड्स, और ये मोड नंबर्स हैं। सो इसके अलावा भी बहुत सी मॉडल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको उसी टेबल में आ रही थी नज़र, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ टाइम पीरियड्स ही को देखेंगे। सो मॉडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशोज़ होती हैं, मॉडल लोड पार्टिसिपेटिंग रेशोज़ होती हैं, और मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर्स होते हैं, और इसी तरह मॉडल डायरेक्शन फैक्टर्स भी होते हैं। सो हर 12 मोड के लिए आप ये वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने चूंकि इनको डिस्कस नहीं करना, सो इसको कैंसिल करेंगे, इस टेबल को भी कैंसिल करेंगे। मोड शेप्स की जो नुमेरिकल वैल्यूज़ हैं, यानी जो ऑर्डिनेट्स हैं फी वैक्टर्स के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्ले में, स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट्स में। सो यहाँ पर आपको लेट्स से सेलेक्ट करना पड़ेगा, अब ये प्लॉट की फॉर्म में होगा और उसकी वैल्यूज़ भी आप कॉपी कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैक्सिमम डायफ्राम डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, और फिर मॉडल वाला केस मैं सेलेक्ट करूँगा मॉडल, और मोड नंबर को 1 रख दूँगा। सो मोड नंबर 1 जो है यहाँ पे, ये 1 देखें लिखा हुआ है, इसको चेंज कर सकते हैं सेकेंड मोड, तो आपके पास सेकेंड के रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये देखें, ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली वाई डायरेक्शन को शो कर रही है, और एक्स की जो लाइन है ब्लू लाइन वो सारी जीरो है। सो बेसिकली ये फर्स्ट मोड शेप है इस बिल्डिंग का, और रेड लाइन ये बता रही है कि ये वाई का फर्स्ट मोड है बेसिकली। अगर सेकेंड मोड देखेंगे, इसको मैं 2 लिख के एंटर करता हूँ, तो आप देखें ये ब्लू लाइन अब आ गई है। अब ब्लू लाइन असल में एक्स का फर्स्ट मोड है, सो सेकेंड मोड इज बेसिकली फर्स्ट मोड ऑफ एक्स डायरेक्शन। इसी तरह थर्ड मोड मैं लिखता हूँ, थर्ड एक टॉर्शनल का मोड है, तो उसमें बहुत थोड़ा नंबर आपके पास आएगा, देखिए 10^-9 इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन कोई वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ये इतनी कम है कि ये ना होने के बराबर है, विच मीन्स कि स्ट्रक्चर बेसिकली अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और ट्विस्ट कर रहा है। सो ना एक्स डायरेक्शन में स्वे कर रहा है, ना वाई में कर रहा है, बल्कि सिर्फ ट्विस्ट कर रहा है। इसी तरह फोर्थ मोड अगर मैं यहाँ पे लिख के एंटर करूँगा, तो ये देखें आप फोर्थ मोड में सेकेंड मोड की शेप आ गई है, और ये रेड लाइन का मतलब है वाई डायरेक्शन। सो विच मीन्स के फोर्थ मोड असल में वाई का सेकेंड मोड है, ठीक है। सो अब वो आपने सारी रेशोज वगैरह लगा लेनी है कि फोर्थ मोड असल में फर्स्ट मोड का 1/3 होना चाहिए, बिकॉज फोर्थ मोड असल में वाई का सेकेंड है और फर्स्ट मोड असल में वाई का फर्स्ट मोड था, तो फर्स्ट ओवर सेकेंड जो है वो रेशो 3 होनी चाहिए, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। सो इसी तरह अगर मैं फिफ्थ मोड करूँगा तो वो हमारा एक्स का सेकेंड मोड हो जाएगा, सिक्स्थ मोड टॉर्शन का था, सेवन्थ मोड असल में वाई का थर्ड मोड था, तो मैं 7 लिख के अगर एंटर करता हूँ तो ये देखें ये थर्ड मोड आ गया। अगर आप इनको स्मूथ मिलाएंगे तो ये आपके पास एक डिफ्लेक्टेड शेप आ जाएगी। एट्थ मोड देख लें तो वो असल में एक्स का थर्ड मोड है। नाइन्थ मोड दोबारा से टॉर्शनल होगा, तो 3, 6 और 9 ये टॉर्शनल मोड्स हैं, तो वो पैटर्न चलता जा रहा है। इसी तरह टेंथ मोड लेट से मैं क्लिक करता हूँ, तो टेंथ मोड असल में क्या होना चाहिए, ये वाई का फोर्थ मोड होना चाहिए। सो अगर मैं 10 लिख के एंटर करता हूँ तो ये देखें ये अब एक फोर्थ मोड आ गया आपके पास। सो बेसिकली ये जो नोडल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वैल्यू जीरो होती है मोड शेप की, वो एड अप होते जाते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स मोड इसी तरह चलते जाते हैं। सो फर्स्ट मोड में कोई नोडल पॉइंट नहीं था, सेकेंड मोड में एक नोडल पॉइंट था, यानी जो वैल्यू है सेकेंड मोड की शेप अगर आप देखें तो एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही थी। थर्ड मोड में 2 दफ़ा वैल्यू चेंज होती है, फोर्थ मोड में 3 दफ़ा वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो अब यहाँ पर भी एक दफ़ा पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं टॉप पे, फिर यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं, फिर यहाँ दोबारा से पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो ये फोर्थ मोड शेप है। इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिफ्थ कैसी होगी, सिक्स्थ कैसी होगी। जो 11th मोड होगा वो एक्स में फोर्थ मोड होगा, तो आप ये देखेंगे वो लाइन असल में ब्लू में कन्वर्ट हो गई है, तो ये एक्स का फोर्थ मोड है। सो अब एक लास्ट चीज कि अगर आप सॉफ्टवेयर में कोई गलती कर देते हैं, कोई कनेक्टिविटी का इशू कर देते हैं, कोई एलिमेंट्स ओवरलैप हो जाते हैं,
कोई एलिमेंट सही कंस्ट्रेन नहीं करते, लूज छोड़ देते हैं, वो वैसे ही हवा में लटक रहा है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट से आइडेंटिफाई हो जाएंगी। सो मैं एग्जांपल देने के लिए आपको एक क्विक एग्जांपल, लेट से मैं ये 3D व्यू में जाता हूँ और मैं एक अपनी तरफ से एक अनकनेक्टेड किस्म का कॉलम ऐड कर देता हूँ, एक ऐसा कॉलम जो अनस्टेबल हो और वो सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स को गलत कर सकता हो। सो लेट से मैं जाता हूँ और मैं एक नई स्टोरी पहले तो ऐड करता हूँ इसमें। सो इसके लिए पहले मुझे मॉडल को अनलॉक करना पड़ेगा बिकॉज अभी रन हुआ हुआ है, एनालिसिस के रिजल्ट्स सेव हुए हुए हैं। तो मैं चला जाता हूँ, इसको अनलॉक कर देता हूँ, ओके, और अब एक नई स्टोरी ऐड करता हूँ, मॉडिफाई शो स्टोरी डेटा, इसमें मैं ऐड क्विक स्टोरी कर देता हूँ। सो एक फिफ्थ स्टोरी भी ऐड हो गई है और उसमें अभी कोई एलिमेंट नहीं है। सो आप ओके करते हैं। सो अब ये देखें ग्रिड लाइंस में एक नई ग्रिड लाइन भी ऐड हो गई जो फिफ्थ स्टोरी के लिए। लेट से मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूँ इस कोने के ऊपर और उसमें मैं गलती कर देता हूँ ये कि मैं उसको प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करता और मैं उसको इधर पिन ज्वाइंट दे देता हूँ। अब एक ही कॉलम है ऐसे हवा में खड़ा हुआ है और वो पिन ज्वाइंट से कनेक्ट हुआ हुआ है, इसका मतलब है वो स्टेबल नहीं है, वो फ्रीली रोटेट कर सकता है किसी भी तरफ को। सो लेट से मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करता हूँ और वो कॉन्क्रीट का जो डिफॉल्ट इसमें कॉलम का क्रॉस सेक्शन है वही यूज़ करूँगा। सो मैं जूम करके यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐड करता हूँ एक कॉलम, ये यहाँ पे वो कॉलम ऐड हो गया। सो ये देखें कि मैंने अब ये टॉप के ऊपर किनारे पे एक नया कॉलम ऐड कर दिया। अगर मैं ग्रिड लाइंस ऑफ कर दूँ सो यू कैन सी हेयर कि ये एक नया कॉलम ऐड हो गया। अगर इसको रेंडर करवा के देखेंगे आप ज़्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि मैं एक्सट्रूड करवा के देख सकता हूँ कि ये देखें कि यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब लेट से मैं ये करता हूँ कि इस जॉइंट को जो इस कॉलम की बेस है इसको पिन जॉइंट करार दे देता हूँ। अगर पिन जॉइंट कर दूंगा तो क्या होगा कि अब ये कॉलम फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, विच मीन्स इट इज़ एन अनस्टेबल कॉलम। और अगर कोई भी एलिमेंट आपका इस तरह अनस्टेबल होगा किसी गलती की वजह से या कोई और मॉडलिंग के अंदर आपने कनेक्टिविटी में मसला कर दिया है, कोई मैशिंग आपकी मैच नहीं हुई एलिमेंट्स की, सो वो सारे जो एरर्स हैं वो मोड शेप्स के रिजल्ट को गलत कर देंगे। तो आप उनको विजुलाइज भी कर सकते हैं। सो मैं ये करता हूँ कि अब मैं जूम इन करके इस जॉइंट को जो कॉलम का बेस है इसको पिन जॉइंट कर देता हूँ। सो मैंने जॉइंट सेलेक्ट किया और इसको ई टैब्स की लैंग्वेज में एंड रिलीज कहते हैं। सो आप बेसिकली जॉइंट को नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और असाइन में फ्रेम में जाएंगे और ये रिलीजेस या पार्शियल फिक्सिटी में जाके इसको जो इसका प्राइमरी बेंडिंग एक्सेस हैं M3 एक्सेस में लेट से या M2 में, दोनों में कोई भी एक रोटेशनल डायरेक्शन में इसको रिलीज कर दें, M3 में लेट से कर देते हैं। सो बेसिकली ये भी आपको ये शायद टर्मिनोलॉजी समझ ना आए, लेकिन जब मैं अप्लाई करूँगा तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दे दी है। ये इंटरनल हिंज असल में अब ये कर रही है कि इस कॉलम को बेस के ऊपर रोटेट करना अलाउ कर रही है, ठीक है। सो अब ये अगर अलाउ कर दिया आपने किसी गलती की वजह से तो इसका मतलब है कि अब तो ये कॉलम फ्रीली रोटेट कर सकता है, ये अनस्टेबल कॉलम है। तो एक तरह का मैंने खुद से अपनी मर्जी से एक अनस्टेबल चीज़ अपने मॉडल के अंदर ऐड कर दी। अब अगर मैं रन करूँगा मॉडल एनालिसिस तो आप देखेंगे कि एनालिसिस के सारे रिजल्ट आपके गलत आएंगे, वो कोई सेंस नहीं बना रहे होंगे। लेट से अब मैं इस स्टेज पे रन करता हूँ और अब ये जो कॉलम है ये एक तरह का हमारा मॉडलिंग की एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है लेट से। सो मैं दोबारा से उसी तरह रन करूँगा और अब मोड शेप्स देखते हैं ज़रा। सो ये रन हो गया, डेड लोड के अगेंस्ट इसकी डिफ्लेक्टेड शेप भी आ गई है। अब इसके सारे रिजल्ट्स आ रहे होंगे बिल्कुल क्लियर। सो वो गलती कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती अगर आप मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट्स ना देखें तो। डेड लोड, लाइव लोड सब के लिए SFD BMD आ रही होगी, आप डिज़ाइन भी कर रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन लेट्स से मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट देखते हैं तो मैं डिफॉर्म शेप में जाता हूँ और दोबारा से मैं मोड पर क्लिक करके फर्स्ट मोड को एनिमेट करवाता हूँ और ओके करता हूँ और फिर उसके बाद एनिमेट करवाता हूँ। सो अब आप देखें कि फर्स्ट मोड में क्या हो रहा है, बिल्डिंग अपनी जगह पे पूरी खड़ी है उसी तरह, बिल्कुल मूव नहीं कर रही और वो एक कॉलम टॉप के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला कॉलम।
और टाइम पीरियड जरा देखें आपके पास क्या आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर जो अनरियलिस्टिकली हाई नंबर है। इसका मतलब है ये आपने कोई मॉडलिंग में गलती कर दी है या कोई एरर है, और जो भी वो गलती है जब आप मोड शेप को एनिमेट करवाएंगे तो वो गलती नज़र आ जाएगी। अगर कोई अनकनेक्टेड एलिमेंट है तो वो हवा में वाइब्रेट कर रहा होगा, वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर कोई अंडर रिस्ट्रेंट कंपोनेंट है या कोई भी और कनेक्टिविटी का इशू है, वो आपको मोड शेप्स की वाइब्रेशंस में एनिमेशंस में नज़र आ जाएगा। सो वो करेक्ट करें और फिर रिपीट करेंगे। सो लिहाजा अगर मैं सेकेंड मोड पर जाऊँ तो देखें सेकेंड मोड भी टाइम पीरियड जो है उसका वो बहुत हाई है, और उसमें भी दूसरी डायरेक्शन में ये कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, बाकी बिल्डिंग उसी तरह खड़ी है। थर्ड मोड में बिल्डिंग थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इन अ वेरी इरेगुलर मैनर, जो कि आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे थर्ड मोड की तरह या सेकेंड मोड की तरह वाइब्रेट कर रही है, और उसका टाइम पीरियड भी देखें अनरियलिस्टिकली हाई है, इनफैक्ट मिलियंस में कहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके मॉडल में कोई गलती है, और वो गलती हमने खुद अभी इंटेंशनली ऐड किया इन द सेम मॉडल। तो देखें सारे के सारे मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट्स डिस्टर्ब हो गए हैं, डिस्कार्ड हो गए हैं। सो अब ये देखें ये फोर्थ मोड है, और इसका भी सारा टाइम पीरियड जो है वो अनरियलिस्टिकली हाई आ रहा है, और ये देखें कि डिफ्लेक्टेड शेप भी। फोर्थ मोड असल में क्या था, वाई डायरेक्शन का सेकेंड मोड था, लेकिन वो कितना डिस्टॉर्ट हो गया आप देखें, वो एक डायगनल डायरेक्शन में जा रहा है, और वो टॉप के ऊपर कॉलम देखें कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो भी गलती होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। सो इस तरह आप अपने स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इस मॉडल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं कोई भी गलती आइडेंटिफाई करने के लिए, या ये देखने के लिए कि डिज़ाइन एडिक्वेट था या नहीं था। सो अगर आपका टाइम पीरियड लेट से 10 स्टोरी बिल्डिंग का टाइम पीरियड आ रहा है 4 सेकेंड्स, तो इसका मतलब है कि आपका स्ट्रक्चर अनरियलिस्टिकली फ्लेक्सिबल है। आप नए कॉलम्स ऐड करें या शीयर वॉल्स ऐड करें या कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करें। इसी तरह अगर आपके लेट से 10 स्टोरी बिल्डिंग का टाइम पीरियड आ रहा है 0.2 सेकेंड्स, इसका मतलब है आपका ये स्ट्रक्चर अनरियलिस्टिकली स्टिफ है। इसको फ्लेक्सिबल बनाएं और नॉर्मल जो रेंज है उसके अंदर इसके टाइम पीरियड को लेके आएं। और फिर एक मोड नहीं देखेंगे, पहला मोड नहीं देखेंगे, पहले तीन तीन चार चार मोड दोनों डायरेक्शंस में, एक्स में भी वाई में भी और टॉर्शन में भी देखेंगे। और एक लास्ट बात वो ये कि अगर सॉफ्टवेयर की नंबरिंग के मुताबिक पहला मोड ही टॉर्शनल मोड आ जाता है, पहला मोड आप रन करते हैं और वो टॉर्शन में बिल्डिंग ट्विस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिल्डिंग आपकी इतनी इररेगुलर है कि वो पहली अपनी फुर्सत में कहना चाहिए, या पहली चॉइस में, पहली प्रायोरिटी में ट्विस्ट करना चाहेगी, फंडामेंटली स्वे नहीं होना चाहेगी एक्स में या वाई में, बल्कि वो ट्विस्ट करना चाहेगी। तो ये एक बड़ा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। सो अगर आपका मॉडल एनालिसिस रन करने से पहला मोड ही टॉर्शन का मोड आ जाता है, यू जो फर्स्ट मोड शेप आप एनिमेट करवाएं और बिल्डिंग आपकी ट्विस्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका बिल्डिंग इतना इररेगुलर है कि ये ट्विस्ट होना पसंद करता है एज इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये तो बड़ा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। जैसे ही अप्लाइड लोडिंग आएगी फ्यूचर में, डायनामिक लोडिंग आएगी, तो ये ट्विस्ट कर जाएगा, बिकॉज इसको ये ट्विस्ट करना पसंद है, इसकी नेचुरल हैबिट से हमें पता लग गया है कि ये ट्विस्ट करना चाह रहा है। सो लिहाजा इसी स्टेज पे, अभी आगे एनालिसिस रन भी ना करें, इसी स्टेज के ऊपर डिज़ाइन में चेंजेस करें। जो इररेगुलर शीयर वॉल्स लेट से आ रही हैं आपके स्ट्रक्चर में, वो इररेगुलर शीयर वॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, और जो भी प्लान या वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ हैं वो रिमूव करें स्ट्रक्चर के अंदर से, उसको रेगुलर की तरफ थोड़ा सा लेके जाएं, ताकि उसका बिहेवियर नॉर्मल वेल प्रोपोर्शन बिल्डिंग्स की तरह का हो सके। सो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट से आप देख सकते हैं। आप बिल्डिंग की कन्फिग्रेशन को स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास इतनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिबर्टी नहीं होती या इख्तियार नहीं होता कि वो उसको ज़्यादा चेंज कर सके। सो अगर आपका बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन ही डिफ़ॉल्ट में ऐसी दी है आर्किटेक्ट ने, जो कि एक इररेगुलर बिहेवियर शो कर रही है, तो फिर आप कन्विंस करेंगे, आर्गू करेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिल्डिंग का डायनामिक बिहेवियर दुरुस्त नहीं है। और फिर आप देखें शेप अगर आपको दे भी दी जाए, तो आप स्टिफनेस या जो यूँ समझ लें कि के मैट्रिक्स है, वो तो फिर भी आपके हाथ में होती है थोड़ी बहुत। फिर आप उसको स्टिफनेस को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि उसकी मास की और स्टिफनेस की डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी रेगुलर हो जाए,
ऑल्दो कि ओवरऑल शेप जो है वो इरेगुलर नजर आ रही है। सो एम और के मैट्रिसेस इस तरह से अरेंज करने हैं आपने कि सेंटर ऑफ मास हर स्टोरी का और उसकी जो सेंटर ऑफ स्टिफनेस है यानी जिस पॉइंट के ऊपर उस पूरी स्टोरी की रेजिस्टेंस कॉन्सेंट्रेट की जा सकती है अगेंस्ट द लेटरल लोडिंग, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ स्टिफनेस या जिसको सेंटर ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ये दोनों पॉइंट्स बड़े करीब करीब होने चाहिए। अगर इनमें एसेंट्रिसिटी होगी, दूर दूर होंगे, तो फिर स्ट्रक्चर ट्विस्ट होना चाहेगा, ठीक है, बिकॉज स्ट्रक्चर की जो रेजिस्टेंस है वो किसी और पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुई हुई है और जो मास है वो किसी और पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ है। तो अगर ये दो पॉइंट करीब करीब होंगे तो फिर आपके स्ट्रक्चर की जो है वो रेगुलर बिहेवियर आएगा और वो इसी तरह का होगा जैसे आप रेगुलर बिल्डिंग्स का देख रहे हैं। सो ये वो इंपॉर्टेंट डिज़ाइन कॉन्सिड्रेशन हैं जो आपने जेहन में रखनी है बेस्ड ऑन मॉडल एनालिसिस रिजल्ट्स। सो ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे और इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के बारे में इसी तरह की डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।